हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बायजूस में जो रोल है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, उसके लिए अप्लाई कैसे करें, उस रोल के लिए एप्लीकेशन कैसे होता है। तो गाइस, इसमें बेसिकली मैं दो तरीके बताऊंगा जिससे आप अप्लाई करेंगे तो 100% आपको इंटरव्यू कॉल आएंगी ही आएंगी। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक और वीडियो बनाया है बायजूस के ऊपर, जिसमें मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। उसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, मेरे कितने राउंड हुए, क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और किस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वो पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका जो मैं आई बटन पर डाल दूंगा और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। तो गाइस, बढ़ते इस वीडियो में, हम लोग बात करेंगे बेसिकली दो तरीके से जिससे आप अप्लाई करेंगे बायजूस के बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट रोल के लिए तो आपको इंटरव्यू कॉल पक्का आएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों के दोनों मेथड से आप अप्लाई कर दें। तो गाइस, जो दोनों तरीके, जिसमें से पहला तरीका है वो है बायजूस के करियर पेज से, करियर वेबसाइट से, और जो सेकेंड तरीका है वो है गाइस लिंक्डइन के थ्रू। तो गाइस, जो पहला है वो बायजूस के ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग जो पहला तरीका है बायजूस के ऑफिशियल वेबसाइट से जैसे हम लोग को अप्लाई करना है, वो हम लोग सीधा अभी अप्लाई लाइव अप्लाई करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके। तो ये आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउज़र ओपन करते हैं, और वहाँ पर डायरेक्टली सर्च करना है बायजूस करियर। बायजूस करियर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो जो पहला लिंक आएगा यहाँ पर आप देख लेंगे, बायजूस करियर अप्लाई नाउ। यहाँ पे आपको ये लिंक, पहला जो लिंक है वो ओपन कर लेना है, और जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा जो जो जॉब रोल के लिए आएगा वो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए ही आएगा। जो आप यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी, यहाँ पे जो स्टाइपेंड है और वो सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, तो जैसे ही अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑफिस सिटी, सेल्स सर्किल, डेट ऑफ बर्थ, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कम्प्लीशन ईयर, और आपको लास्ट में अपना रेज्यूमे सबमिट करना है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम में आपको अपना नेम डाल देना है, फुल नेम डालना है। देन सेकेंड वन में अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। देन नेक्स्ट वन जो है वो अपना ईमेल आईडी डालना है। सो गाइस, ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ये डालते टाइम आप एकदम एश्योर रहिएगा कि आप इन्फॉर्मेशन जो है वो सही सही डाल रहे हैं, क्योंकि जो एचआर है आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इसी ईमेल आईडी पे और इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको वो एचआर लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। सो गाइस, जो नेक्स्ट है वो ऑफिस सिटी है, तो जो भी आपका नियरेस्ट ऑफिस सिटी इस लिस्ट में है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे नज़दीक में है पटना, तो मैं पटना सिलेक्ट कर लिया, कोई और हो गया, तो ये गाइज आप सिलेक्ट कर लेंगे। सो गाइज, पटना ऐसे सेकंड जो है वो आपको सेल्स सर्कल चूज करना है कि आपका सेल्स सर्कल क्या है। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इसमें अवेलेबल रहता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लेंगे, या फिर जो आपका रीजन है वो रीजन अवेलेबल रहेगा, तो वो रीजन आप उसमें लिस्ट में देख के चूज कर लीजिएगा। और जो उसके बाद है वो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आपको अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। फिर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है कि आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। वैसे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन में आप क्या है, आप बीटेक है, बीई है, क्या है, वो आपको यहाँ पे डालना है। दो नेक्स्ट वन है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कम्प्लीशन ईयर, यानी कि आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है वो किस ईयर आपने कम्प्लीट किया, वो यहाँ पे उसका डिटेल डालना है। और लास्ट में आपको रेज्यूमे डालना है, जो आपका रेज्यूमे वो लास्ट में अपलोड होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि वो बेसिकली रेज्यूमे ही देखेंगे और रेज्यूमे के बेसिस पे ही आपको फर्स्ट राउंड के लिए वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। और नेक्स्ट वन है जेंडर, आपको ये जेंडर चूज कर लेना है और सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। बस ये बेसिक सब कुछ, बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक कुछ डिटेल्स है और आपका रेज्यूमे है। ये तरीका से आप वेबसाइट है, करियर वेबसाइट बायजूस का ऑफिशियल करियर वेबसाइट है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर देते हैं।
और ये तरीका से आपको डेफिनेटली 100% आपको रिस्पॉन्स इंटरव्यू कॉल आएगा ही आएगा अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, क्योंकि ये जो उनका बल्क हायरिंग होता है वो इस वेबसाइट के थ्रू ही वो लोग रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिसके द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो सेकंड तरीका है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो लिंक्डइन पे भी मैं करके दिखा देता हूँ कि लिंक्डइन पे आपको अप्लाई कैसे करना है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप दोनों तरीका से अप्लाई कर दें, वेबसाइट के थ्रू भी कर दें और लिंक्डइन के थ्रू भी कर दें, ताकि जो भी एप्लीकेशन एचआर तक पहुँचे, मे भी पहला से पहुँचे या दूसरा से पहले पहुँचे, तो आपको इंटरव्यू कॉल आए। सो गाइज, अब हम लोग देखेंगे कि आप लिंक्डइन के थ्रू इस रोल के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको सिंपली सबसे पहले आपको अपने लिंक्डइन ओपन कर लेना है, लिंक्डइन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको बायजूस का जो पेज है, बायजूस का जो ऑफिशियल पेज है, उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है बायजूस, और जो पहला आएगा ऑर्गेनाइजेशन वो यही है, बायजूस करके आ जाएगा। जैसे ही बायजूस का जो पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे जॉब वाले जो सेक्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही जॉब वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो लेटेस्ट वैकेंसीज है वो आ जाती है इस रोल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम ये आज का पोस्ट है, फिर ये कल का था। तो इन लोग का डेली रिक्रूटमेंट चलते रहता है रेगुलर बेसिस पे। तो आपको इजीली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है पहले रोल के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। और जो लिंक ओपन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मिनट पहले ही इस लिंक के लिए आया था और तेरे एप्लीकेशन भी हो गए। तो आपको सिंपली यहाँ पे इजी अप्लाई पे क्लिक करना है। इजी अप्लाई पे करने के बाद ये बेसिक से कुछ डिटेल मांगेंगे, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर। फिर नेक्स्ट करने के बाद आपको एक सीवी करना है, सीवी आपको सिलेक्ट करना है अपना, जो आपने सीवी वेबसाइट के थ्रू अपलोड किया था वही सीवी, एक अच्छा सा सीवी लिंक्डइन के थ्रू भी आप करेंगे। और यहाँ पे कुछ बेसिक सा डिटेल पूछा जाएगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कितने साल अगर आपने सेल्स में काम किया या नहीं किया। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सीधा रिव्यू होगा, और रिव्यू करने के बाद यहाँ पे सीधा अप्लाई सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सबमिट करके लिंक्डइन के थ्रू भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, ये दो तरीके रहे जिससे हम लोग बायजूस का जो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का जो रोल जॉब रोल है उसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकेंगे। जो पहला था वो मैंने आपको वेबसाइट के थ्रू भी दिखा दिया, और जो सेकेंड था लिंक्डइन के थ्रू, वो भी मोबाइल के मैंने लिंक्डइन पे भी अप्लाई करके आपको बता दिया कि कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। मेरा सजेशन है आप दोनों के दोनों तरीकों से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना बहुत ही ईजी है, जो वेबसाइट से वहाँ से भी अप्लाई करना ईजी है, और लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई करना ईजी है। और अप्लाई करने के 2 से 3 या फिर 5 दिन तक आप वेट कीजिएगा, आपको कॉल ज़रूर आएगा। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको ये एप्लीकेशन करने में मदद पहुँचाया होगा। सो गाइज, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाला वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में।